हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अंकित रामी और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि एंड्रॉइड की जो एप्लीकेशंस होती है, एंड्रॉइड की कोई गेम होती है लाइक पबजी और वगैरह, तो आप कंप्यूटर में किस तरीके से उसको ओपन कर सकते हो और प्ले कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको ये डाउनलोड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल क्रोम ओपन करना है और वहाँ पे लिखना है ब्लूस्टैक। जैसे ही आप ब्लूस्टैक लिख दोगे, यहाँ पे एक साइट ओपन हो जाएगी। आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, उसका आइकॉन कुछ इस तरीके से होगा। फिर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप ब्लूस्टैक.com ओपन वेबसाइट को ओपन करोगे, आपको कुछ इस तरीके से इन्वायरमेंट मिल जाएगा जो कि सारे प्रोसेसर में सपोर्ट करता है और कितनी कितनी गेम्स है और आप कंप्यूटर में किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। उसकी साइट पे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई बंदा पबजी खेल रहा है, उसका एक गिफ्ट फाइल एक एनिमेशन दिया हुआ है। अभी हम इसको डाउनलोड करके यूज़ करना सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डाउनलोड ब्लूस्टैक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड कर दोगे, उसकी एक सेटअप फाइल आ जाएगी। वो सेटअप फाइल आपको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे डेस्कटॉप पे वो फाइल आ चुकी है। मैं रन पे क्लिक कर रहा हूँ और वो इंस्टॉल कर रहा हूँ, बट मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो वो बोल रहा है कि एग्रेड इंस्टॉल। अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें कुछ भी दिक्कत और कोई भी नया स्टेप है नहीं। अभी मैं ब्लूस्टैक प्लेयर को स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे ही उस प्लेयर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपके कंप्यूटर में आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपके कंप्यूटर में आपने अगर वो डाउनलोड किया हुआ है तो उसका परफॉर्मेंस और वो जो भी होगा वो आपके कंप्यूटर के बेस ऑन प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, रैम एंड ग्राफिक कार्ड के बेस पे होगा। तो आप कुछ भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, लाइक मैं पबजी गेम डाउनलोड कर रहा हूँ और मेरे कंप्यूटर में 1GB रैम है, तो ये ब्लूस्टैक और उसका प्लेयर चलेगा नहीं। तो जो भी गेम के रिलेटेड रिक्वायरमेंट है और इस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड रिक्वायरमेंट है वो आपके कंप्यूटर के अंदर बेशक होनी चाहिए, तभी आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे ही मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि उसकी होम स्क्रीन पे बहुत सारी गेम्स और वो वगैरह आ रही है। इसके अंदर दो पोजिशन है, एक है गेम सेंटर, वहाँ पे बहुत सारी गेम लिस्ट आउट की हुई है, और लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर मैं डायरेक्टली उसके जो नेटिव एप्लीकेशन है लाइक एंड्रॉयड के सेटिंग है, मीडिया है, वो सब ओपन कर सकता हूँ। आप देख सकते हो कि मैं एंड्रॉयड सेटिंग पे स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपके फ़ोन में जिस तरीके से कुछ सेटिंग आते हैं उस तरीके से यहाँ पे आपको सेटिंग दिख जाएंगे और उसके थ्रू आप उसको कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि अगर आप प्ले स्टोर में से कुछ डाउनलोड करना चाहते हो तो आपके फ़ोन में जिस तरीके से आप गूगल लॉग इन करते हो और प्ले स्टोर में से डाउनलोड करते हो, उस तरीके से आप यहाँ पे गूगल से लॉग इन भी कर सकते हो एंड उसमें से आपको प्ले स्टोर में से जो भी एप्लीकेशन चाहिए वो यहाँ पे आप रख सकते हो। जब भी आप इस प्लेयर को इंस्टॉल करते हो, आपका जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है नहीं, वो एज इट इज रहता है और उसमें एंड्रॉयड इंस्टॉल हो जाता है। यहाँ पे आप बहुत सारी गेम भी देख सकते हो लाइक कैंडी क्रश और वगैरह वगैरह, उसके यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप पबजी गेम भी खेल सकते हो। आप देख सकते हो जी पबजी क्यों इंस्टॉल करना है और प्ले करना है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है लाइक उसका कीबोर्ड है, उसके कैमरा है। अगर आप लैपटॉप में इंस्टॉल कर रहे हो तो उसके अंदर जो भी हार्डवेयर अटैच होगा वो सब आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। साथ ही साथ उस स्क्रीन को आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली किस तरीके से देखना चाहते हो, उसके अंदर जो रिजोल्यूशन है वो किस तरीके से सेट करना चाहते हो, आप यहाँ पे आपका जो इंजन इटली मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी है आपका स्ट्रक्चर और लेआउट उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक आपको कितना रिजोल्यूशन चाहिए, कौन सा इंजन पे चल रहे हो, लाइक ओपन जीएल करना है या डायरेक्ट एक्स, मेरे कंप्यूटर में जो ग्राफिक कार्ड है उसके बेस पे आपको परफॉर्मेंस करना है। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो एंड यहाँ पे जो अपडेट करना है वो भी आप कर सकते हो। अगर जब भी आप इंस्टॉलेशन पे क्लिक करोगे, अगेन प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा, आपको लॉगिन करना है और यूज करना है। बट मेरे पास अभी 2-3 एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे लॉगिन करके डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ बल्कि डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ। अभी मैं मेरे कंप्यूटर की जो भी ड्राइव है वहाँ पे जाता हूँ। अभी मेरे ड्राइव के अंदर 2 या 3 APK फाइल है इंस्टॉल, तो अगर मेरे फाइल जो भी 2 या 3 APK फाइल है वो मैं डेस्कटॉप पे कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे निंजा जंप करके एक गेम है मेरे पास और जुम्बिया भूत करके एक गेम है। दोनों गेम को मैं आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने दोनों के APK के डबल क्लिक किया तो मैं APK फाइल यानी कि एंड्रॉयड की एप्लीकेशन डायरेक्ट मेरे कंप्यूटर में मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। आप देख सकते हो कि लाइब्रेरी में दोनों की दोनों एप्लीकेशन जो मैंने इंस्टॉल की थी आप यहाँ पे इंस्टॉल देख सकते हो और उसका यूज़ कर सकते हो। जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल की यहाँ पे हो गई है और जिस तरीके से मोबाइल में रन होती है उसी तरीके से यहाँ पे भी रन हो रही है। नाउ एक एप्लीकेशन थी और ये दूसरी एप्लीकेशन है। अभी आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे कोई गेम प्ले कर रहा हूँ विदाउट एंड्रॉयड फोन में, मेरे विंडोज के अंदर वो गेम प्ले कर रहा हूँ और उसका यूज कर रहा हूँ। साथ ही साथ मुझे उसका कीबोर्ड लेआउट यूज करना है या फिर जो भी यूज करना हो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर आपका लैपटॉप टच स्क्रीन है तो आप उसका यूज करके टच रिलेटेड भी प्रोसेस यहाँ पे कन्फिग कर सकते हैं। एंड अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप टच रिलेटेड टच स्क्रीन नहीं है तो आप अपना कीबोर्ड
से भी काम चला सकते हो। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से आप यहाँ पे गेम भी प्ले कर सकते हो, उसके रिलेटेड सेटिंग भी डन कर सकते हो। ठीक है, ये था ब्लूस्टैक एप्स प्लेयर, जिसके थ्रू एंड्रॉयड की सारी एप्लीकेशन और गेम आप यहाँ पे चला सकते हो। मेरा नाम है अंकित रावी और इस AR Info Way की चैनल पे आपको लगातार ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ AR Info Way पे और इस AR Info Way की चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।